97 साल की सुपर नानी विद्या देवी ने पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए चुनाव मैदान में ताल ठोकी। वो इस बार की सबसे उम्रदराज उम्मीदवार रही। विद्या देवी ने उम्मीदवारी करते हुए ये जता दिया कि गांव के विकास के लिए उम्र कभी आड़े नहीं आती। दिलचस्प बात तो ये है कि लाठी पकड़ कर चलने वाली 97 साल की बुजुर्ग विद्या देवी ने न सिर्फ उम्मीदवारी ही जताई बल्कि अपने से जूनियर सभी प्रतिद्वंदियों को हरा कर सरपंच बन गई। इस सुपर नानी की हर कोई तारीफ कर रहा है। यही नहीं, अब वो गांव के हर युवा के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई हैं। विद्या देवी ने सीकर के नीम का थाना के पुराना बास ग्राम पंचायत की सरपंच बनकर प्रदेश की सबसे उम्र दराज सरपंच बनने का रिकॉर्ड बनाया है। अब वो सोशल मीडिया पर बतौर नानी फेमस हो रही हैं। सरपंच बनने के बाद विद्या देवी ने जीत की अपनी खुशी जताई और अपनी प्राथमिकताएं बताई। और पूरे गांव का माँ और मैंने पूरे गांव करेगा सब कुछ करूँ। तो मेन मुद्दों को इरेशी दादी जी थारो मेन काम के करूँगा। मेन काम करूँगी पहली गांव की सफाई और दूसरी बुढ़ा ठेला की पेंशन और तीसरी ये पानी का। पानी का तो दादी जी इस उम्र में आपकी ये चुनाव लड़ने की क्या जोश रहा आपको? मेरे को अच्छा लग गया और मैं ऐसी सोची गाँव का भला हो जा और गाँव मेरे को चाहता। सीकर के लक्ष्मणगढ़ की राजास ग्राम पंचायत को महज 21 साल की सबसे युवा सरपंच मिल गई है। सरपंच मनीषा भास्कर ने राजस्थान की सबसे कम उम्र की सरपंच बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। मनीषा ने 991 मतों से जीत हासिल कर गांव में सबसे बड़ी जीत अपने नाम दर्ज की है। मनीषा को राजनीति विरासत में मिली है। उनकी सास शांति देवी जहां पूर्व में लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में मनोनीत पार्षद रह चुकी हैं, तो वहीं ससुर सुल्तान सिंह भास्कर पूर्व में पंचायत सदस्य रह चुके हैं। सरपंच बनने के बाद मनीषा चाहती हैं कि वो परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी भेदभाव के ग्राम पंचायत में विकास कार्य करे। राजस्थान में सबसे कम उम्र की सरपंच बनने पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। इसके लिए मैं पूरी पंचायत की बहुत बहुत आभारी हूं। आगे मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि राजास पंचायत पूरे राजस्थान में विकास कार्य में सबसे आगे रहे। वाकई 97 साल की सुपर नानी सरपंच विद्या देवी और 21 साल की सबसे युवा सरपंच मनीषा के जज्बे को सलाम है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर उम्मीदवार की। जी हां, इस बार के पंचायत चुनाव में एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार ने भी चुनाव मैदान पर ताल ठोकी। पंच सरपंच चुने जाने के बाद उप सरपंच का जब चुनाव हुआ तो पाटन पंचायत समिति से किन्नर रेखा बाई नादर ने सभी को हैरान करके रख दिया। किन्नर रेखा यहां से उप सरपंच चुनी गई। रेखाबाई को कुल 16 में से 15 वोट मिले। जीत की खुशी साझा करते हुए रेखाबाई ने पत्रिका को बताया कि गांव में शौचालयों का निर्माण कराना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही गांव को स्वच्छ रखना, गरीबों का हक दिलाना पर भी उनके फोकस में रहेगा। आप पाटन कस्बे से उप सरपंच निर्वाचित हुए हैं? हाँ सर। तो आपका क्या सपना है गांव के लिए? मेरा सपना ये है गांव की गलियों में अच्छी देखभाल करना है, लेटरिंग बनवाना है और दूसरी बात कचरा कूड़ा है वो उठवाएंगे सर, और पंचायत में जाएंगे तो कोई गरीब आदमी की सेवा भी करेंगे सर। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो प्राथमिकताएं उप सरपंच बनकर किन्नर रेखा बाई ने तय की है वो उन्हें जरूर पूरा करेंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी की एक और शख्सियत की। बात दुबई। जी हां, दुबई के ऑफिसर का पद छोड़कर आई सरपंच उम्मीदवार सुनीता कंवर की। 36 साल की सुनीता कंवर ने दुबई में अच्छी खासी अफसरगिरी छोड़कर सरपंच पद के लिए उम्मीदवारी जताकर सभी को हैरान कर दिया। सुनीता कंवर ने सीकर जिले के नांगल गांव में सरपंच पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की, जिसके बाद वो जोर शोर से चुनाव प्रचार में भी जुट गईं। दरअसल सुनीता नांगल गांव की बहू हैं, जो पिछले कुछ सालों से दुबई की एक शिपिंग कंपनी में CCA ऑफिसर पद पर काम कर रही थी। पंचायत चुनाव की जानकारी पर वो अपनी नौकरी दांव पर लगाकर वापस गांव पहुंची। इसके पीछे उन्होंने अपने गांव के विकास की इच्छा बताई।
सुनीता कंवर ने चुनाव के लिए प्रचार का जिम्मा भी खुद ही संभाल लिया। कुछ महिलाओं को साथ लेकर अपनी एसयूवी गाड़ी में गांव ढाणी पहुंचकर उन्होंने वोट अपील की। सुनीता का कहना है कि भगवान से जो चाहा उससे ज्यादा पाया, अब वो अपने देश में रहकर समाज सेवा करना चाहती हैं। सुनीता ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी कुछ प्राथमिकताएं भी तय की थी। मैं दुबई में हूँ और वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा पैकेज है। जब मुझे लगा कि यहाँ महिला सीट आई है तो मैं दुबई से जॉब छोड़ के यहाँ आई हूँ ताकि मैं गांव का विकास कर सकूँ और गांव वालों को विकास का असली मकसद बता सकूँ। यहाँ पे जो पहले के लोग काम करते आए हैं 40 सालों से, मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ है। जो पहले वाले सरपंच थे और अभी तक विकास को रोड बनाना, नालियां बनाना, इसी को विकास समझ रहे हैं और गांव वाले भी इतना ही विकास है, जबकि आज देश कहां से कहां पहुंच रहा है। आदर्श गांव बनाने के लिए आपके प्रयास क्या रहेंगे? आदर्श गांव बनाने के लिए मैं चाहती हूं कि सबको रोजगार मिले, सब जगह लाइट की सुविधा हो और यहाँ पे एक मुझे जब मैं गांव ढाणियों में जाके तो मुझे एक बड़ा मुद्दा गौशाला का मिला और पानी का। यहाँ पे किसी के पानी की व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की सुविधा है। आज भी 10 साल 40 साल पुराने लोग जी रहे हैं और जबकि 40 साल से एक बंदा सरपंच रहने के बाद कुछ काम नहीं कर रहा है, अभी भी लोग परेशान हैं। कमाल है। वैसे सरपंच बनने के लिए दुबई में अच्छी खासी नौकरी छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। खैर, दुबई के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान से आई उम्मीदवार की। जी हाँ, इस बार के पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी करने के लिए पाकिस्तान मूल की नीता कंवर भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने तो सरपंच का चुनाव ही जीत लिया। टोंक जिले में प्रथम चरण के चुनाव में निवाई उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत नटवाड़ा में पाकिस्तान से 2001 में भारतीय बहू बनकर आई नीता कंवर सरपंच बन गई हैं। नीता कंवर ने 362 वोटों से अपनी प्रतिद्वंदी सानू देवी को हराया। आपको बता दें कि 5 महीने पहले ही नीता को भारत की नागरिकता मिली है। पाकिस्तान मूल की रही नीता टोंक जिले के निवाई उपखंड की ग्राम पंचायत नटवाड़ा के एक राजपूत परिवार से हैं। वे वहां की बहू हैं। नीता को 8 साल के लंबे इंतजार और लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल हुई है। नीता कंवर का विवाह 8 साल पहले नटवाड़ा के कुंवर पुण्य प्रताप करण के साथ हुआ था, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिलने की वजह से उनके विवाह के बाद भी उनके क्षेत्र में हुए पंचायत राज, विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में मतदान करने से वंचित रहना पड़ा था। नागरिकता मिलने के बाद हुए चुनाव में नीता ने अपना नामांकन दाखिल किया और जीत हासिल कर सरपंच बन गई। अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि गाँव का बहुत अच्छा सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है और मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। मेरे फादर और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे जी, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। किस तरह की मेरा यही सबसे बड़ी मेरी विश यही है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो यहाँ की है, मैं उनको आगे लेकर आऊँ। मैं उनको जितनी सुविधा हो सके उनकी उनको सुविधा दूँ, वो शिक्षा हो, चाहे अस्पताल हो और चाहे रोजगार हो, वो मैं उनको मैं उनके लिए वो कर सकूँ।